चैलेंज, खुद को दिया हुआ एक अच्छा चैलेंज हमारे अंदर बदलाव ला सकता है। असली चैलेंज ही हमें डरा सकता है और हम जो बनना चाहते हैं हमको वही बना सकता है। नो चैलेंज नो चेंज। एक भाई ने थोड़े दिनों पहले मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई जॉब चेंज करने के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बना दो। पता नहीं वो कब बना पाऊंगा, मगर मैं उस भाई से और आप सब से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि भाई खुद को थोड़ा सा चैलेंज करना शुरू करो। ना ऑफिस ना जिम, ना घर ना शहर, ना जॉब ना भाषा, बदलाव इनमें नहीं खुद में लाने हैं। और वो जब तक हम खुद को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आने बहुत मुश्किल है। एक बेटा परेशान था, वो एक दिन बैग पैक करके बोला कि पिताजी मेरा यहां पे मन नहीं लग रहा, तो मैं कुछ दिनों के लिए कहीं एकांत में जा रहा हूं। जाओ बेटा। बाप ने भी बात को समझते हुए उसे जाने दिया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और कहा कि इसको तब पढ़ना जब तुम अच्छा महसूस करो। एक हफ्ता बीत गया, नई जगह नए लोग, पर खुशी का नामो निशान नहीं, वही साला पुराना रोग। थक हार के उस बेटे ने अपने बाप की उस चिट्ठी को निकाल ही लिया। लिखा था कि मैं जानता हूं तुम अभी भी उतने ही परेशान हो, क्योंकि जिस चीज से तुम परेशान हो उसको तुम साथ लेकर गए हो। पढ़कर बेटे की आंख में आंसू आ गए, मगर वो आंसू खुशी के थे। बदलाव हमारे अंदर छुपा है और ये खुशी की तो बात है। चैलेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ।